बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और लोग सर्दी के मौसम से बचने के लिए जहां गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर तरह तरह के पकवान और मेवाजात का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। आज मैं आपके सामने इन्हीं मेवाजात में से एक मेवा जिसे हम मूंगफली के नाम से जानते हैं, उसके फ़वाद का जिक्र करूंगा। मूंगफली सर्दियों में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेवा है और इसे हर उम्र की ख़वातीन और हज़रात पसंद करते हैं। मूंगफली जायके के लिहाज से भी मुनफरिद है, जबकि मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली किसी भी मौसम में खाई जा सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर सर्दियों में सूरज के ग़ुरूब होते ही लोग इसको खाना पसंद करते हैं। इसको सर्दी में खाने का अपना अलग ही मज़ा है। मूंगफली एक फलीदार पौधा है, लेकिन इसका शुमार मेवाजात में ही होता है। मीठे पकवानों में भी मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाद हैं जिनका अब मैं ज़िक्र करता हूँ। मूंगफली का इस्तेमाल दुबले अफराद और बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए इंतहाई गजाइत बख्श साबित होती है। मूंगफली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गजाइत के अतबार से सेब, गाजर और चुकंदर से भी ज़्यादा होते हैं। मूंगफली के तिब्बी फवाद कई अमराज से हिफाजत का बेहतरीन जरिया हैं। मूंगफली में पाया जाने वाला विटामिन ई कैंसर के खिलाफ लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है। मूंगफली में मौजूद फौलाद खून के नए खुलियात बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तहकीक के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों के लिए मूंगफली का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। दूसरे दर्जे के डायबिटीज में गिरफ्तार अफराद के लिए रोजाना एक चमच मूंगफली का इस्तेमाल बेहतरीन है। डॉक्टरों के मुताबिक मूंगफली का इस्तेमाल इंसुलिन की सतह को बरकरार रखता है। और आखिर में मूंगफली में मौजूद तेल से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, खो आप कितना ही खाना खाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।